तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा दसवीं कार्यपत्र का 10 विषय संस्कृतम, संस्कृत विषय कक्षा 10 की कार्यपत्रक 10। ठीक है, तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, प्रथम वर्ण के तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होता है, नीचे लिखा है वर्गीय प्रथम वर्ण के तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्गीय तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण या रा ला व ह में से कोई हो तो प्रथम तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे का ग में, च जा में तथा ट ड में तथा द में और प ब में बदल जाएगा, ये रूल है। ठीक है, जैसे जगत प्लस ईसा तो जगदीसा हो जाएगा। ठीक है, तो दिक प्लस अंबरा दिगंबरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, ये तो थी आपकी वर्कशीट। इससे पहले अगर आपने सैंपल पेपर संस्कृत का नहीं कर रखे हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो 40 नंबर का आपका सैंपल पेपर 2021-22 वाला मैंने आंसर के साथ अपलोड कर रखा है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, संस्कृत के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो, अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन यहाँ संधि और फिर संधि विच्छेदम वाक कुरुत। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। जैसे वाक प्लस ईसा बराबर क्या बनेगा, जगत प्लस अंबा क्या बनेगा, सुप प्लस अंतः क्या बनेगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़े, डायरेक्ट चलते हैं सीधे आंसर पर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आगे देखो आंसर, अब इसका आंसर देखो। लिखा है वर्कशीट सॉल्यूशन क्लास 10, वर्कशीट 10। ठीक है, अब देखो जैसे पहला है वाक प्लस ईसा बराबर क्या बनेगा, वागीसा। दूसरा जगत प्लस अंबा बराबर जगदम्बा बनेगा, जगदम्बा। तीसरा सुप प्लस अंता बराबर सुबंता। चौथा सट प्लस आनना बराबर सडानना। पांचवा अच प्लस अंता बराबर अजंता। सिक्स है छठा चलत प्लस अनिशम बराबर क्या बनेगा, चल दनिशम। फिर सातवां वाक प्लस दानम आएगा, इसको फिल करना था, आगे लिखा है। फिर आठवां अचिरात प्लस एव आएगा। नौवां में सत प्लस आचारा। दसवें में अप प्लस दह बराबर अब दह। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं। ठीक है, यहाँ से आप सारे आंसर आप नोट कीजिए। अब यहाँ से तो वर्कशीट 10 में बस इतना ही था, सारे आंसर कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट के आंसर में और नेक्स्ट वर्कशीट के आंसर में, और आपका नेक्स्ट वीक असेसमेंट 5 स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, तो उसके भी आंसर आपको चैनल पर मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।